हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी 2020 वाले छात्रों के लिए बुरी खबर आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की 1,03,769 पदों पर भर्ती निकाली गई थी 2020 की, ठीक है, जिसके लिए फ्रेंड्स टेंडर का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और टेंडर का फर्स्ट स्टेप फ्रेंड्स ग्रुप डी के टेंडर का कंप्लीट भी हो चुका है। इसी के बीच यहां पर फ्रेंड्स एक बहुत बुरी खबर छात्रों के लिए आ चुकी है। रेलवे ग्रुप डी 2020 की भर्ती में फ्रेंड्स 1,03,769 पद जो थे उसमें से 20,000 पद जो है घटा दिए गए हैं। अब छात्रों को 83,000 पदों पर भर्ती होगी, यानी कि जो ग्रुप डी के 1,03,769 पद थे अब उसमें घटा करके 83,000 पद कर दिए गए हैं और 20,000 पद फ्रेंड्स इससे घटा दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि ये पद कहाँ गए, क्यों घटाए गए हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर फ्रेंड प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को बताया मैं रेलवे की पल पल की अपडेट वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर की कटिंग है और बिल्कुल लेटेस्ट है। यहाँ से देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती में 20,000 पद घटाए, अब 83,000 पदों पर होगी भर्ती, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, लाइव हिंदुस्तान .com की अपडेट भी आप देख सकेंगे, NDTV की अपडेट भी देख सकेंगे, न्यूज़पेपर में भी देख सकेंगे। अजमेर से न्यूज को प्रकाशित किया गया, इसमें बोला गया है कि रेलवे ने ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए 20,000 पद कम कर दिए हैं। ये पद रेलवे एक्ट अप्रेंटिसों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, इससे अब सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों की भर्ती अब केवल 83,000 पदों के लिए होगी, यानी कि जो 20,000 पद इसमें से निकाले गए हैं वो केवल केवल एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्रों के लिए आरक्षित की गई हैं। और 1,00,000, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, रेलवे ने ग्रुप डी के 1,03,769 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, यानी 1,03,769 पदों में से 20,000 पद घटा करके यहाँ पर टोटल 83,000 पद रह चुके हैं, जो कि 20,000 पद फ्रेंड्स अप्रेंटिस वाले छात्रों के लिए यहाँ पर जो है प्रस्तावित कर दिए गए हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स देखा जा रहा है कि बोला गया है कि जल्द ही इसका परीक्षा कार्यक्रम जो है घोषित कर दिया जाएगा। इस बीच रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन पदों में 20% पद रेलवे एक्ट अप्रेंटिसों के लिए आरक्षित रहेंगे, यानी 20,734 पद एक्ट अप्रेंटिसों के लिए आरक्षित होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1,03,769 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1,03,769 पदों में से जिसमें 20,734 पद यहाँ पर निकाल दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है अप्रेंटिस छात्रों के लिए, तो लमसम 83,000 पदों पर ये भर्ती कराई जाएगी। जैसा कि यहाँ बोला जा रहा है अभ्यर्थियों के लिए 83,000 पदों पद ही बचेंगे, ठीक है। पद कम होने के बाद बिना अप्रेंटिस के अभ्यर्थियों को प्रतिस्पर्धा में बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे बोला गया कि सीधी भर्ती नहीं होगी, रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस पदों पर बिना लिखित परीक्षा दी है सीधी भर्ती नियुक्ति की मांग कर रहे थे 2016 में। अब पहले अप्रेंटिसों की सीधी नियुक्ति देने का अधिकार रेल प्रबंधक महाप्रबंधक के पास थे, परंतु उसी साल इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि रेल एक्ट अप्रेंटिस एक्ट 2016 तहत इन अभ्यर्थियों के लिए 20,734 पद आरक्षित रहेंगे, परंतु सीधी भर्ती प्रावधान नहीं होगी, यानी सीधी भर्ती इनकी नहीं कराई जाएगी। कोर्ट ने इसे कानूनी नहीं माना है, इन अभ्यर्थियों को भी लिखित परीक्षा देनी होगी। सामान्य वर्ग के न्यूनतम अभ्यर्थियों को 40% अंक लाना अनिवार्य है, आरक्षित के वर्ग के अभ्यर्थियों को 30% लाना अनिवार्य है, तभी नौकरी के लिए जो है यहाँ पर नौकरी मिल पाएगी, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 1,03,769 पदों की भर्ती थी, जिसमें से फ्रेंड्स यहाँ पर 20,734 कुछ पद निकाल दिए गए हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हैं छात्रों के लिए अच्छी खबर नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 734 पद निकाल दिए गए और यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल 83,000 पदों पर अब छात्रों की भर्ती कंप्लीट करवाई जाएगी। तो छात्रों आपको इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। जैसे कोई रेलवे NTPC ग्रुप डी की अपडेट आती है मैं तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा आपके लिए।